हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल बोली यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अमित। दोस्तों तो कैसे हैं आप? आई होप वी आर ऑल वेरी वेल। तो दोस्तों आज डिस्कस करेंगे DFCCIL, जो कि इंडियन रेलवे का ही एक एंटरप्राइज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक PSU है। PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट है। तो दोस्तों आज बात करेंगे हम सिविल में एग्जीक्यूटिव सिविल जो कि वैकेंसीज निकाली है DFCCIL की तरफ से, जिसमें कि टोटल नंबर है वैकेंसीज का 73। उसमें भी कैटेगराइज वैकेंसी आपको बताई गई हैं। अगर आप कहेंगे तो एक वैकेंसीज जो नोटिफिकेशन है उस पर भी हम वीडियो बना देंगे। तो टेस्ट डेट आपकी 17 अप्रैल 2016 को DFCCIL ने पेपर लिया था एग्जीक्यूटिव सिविल का शिफ्ट 1। आज हम उसके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन। एन एक्टिवेटेड कार्बन विच हैज द प्रॉपर्टी ऑफ एब्जॉर्बिंग एंड अट्रैक्टिंग इम्प्योरिटीज, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज नॉट अमंग द एडवांटेजेस ऑफ एक्टिवेटेड कार्बन। इनमें से एक्टिवेटेड कार्बन की वैसे तो अट्रैक्टिंग इम्प्योरिटीज अट्रैक्ट करने की और एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी है, लेकिन इसमें पूछा है एक्टिवेटेड कार्बन का इनमें से क्या एडवांटेज नहीं है। तो देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन, इट मिनिमाइजेस दी क्लोरीन डिमांड ऑफ ट्रीटेड वाटर, तो ये तो है। इट एक्सीलरेट दी कोएगुलेशन, कोएगुलेशन भी एक्सीलरेट करवा देगा, लेकिन ओवरडोज इसकी हार्मफुल रहेगी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर सी, देख सी। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज Not among the major limitations of sprinkler irrigation, मतलब sprinkler irrigation की इसमें क्या major limitation नहीं है। तो देखिए, strong wind disturb the sprinkling है limitation है, क्योंकि strong wind से इसको बचाना है। It requires heavy initial investment, ये भी initial heavy investment इसमें करते हैं हम। और it minimizes the erosion of soil, तो ये इसकी limitation नहीं है। ये तो मिनिमाइज, जहां इरोजन ऑफ सॉइल होगा तो वहां तो इसको हम प्रोवाइड करवा देंगे, तो इसलिए इसका आंसर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द टाइप्स ऑफ सिग्नल क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस, तो इसमें ये संटिंग सिग्नल फंक्शंस के बेसिस पे हम इसको क्लासिफाइड करते हैं। एडवांस स्टार्टर सिग्नल को भी इसके क्लासिफाइड करते हैं फंक्शंस के बेसिस पर, और वार्नर सिग्नल्स भी। केवल सेमाफोर सिग्नल्स है जो फंक्शंस के बेसिस पर क्लासिफाइड नहीं किया जाता। आगे बात करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सेमाफोर सिग्नल, इसका आंसर हो जाएगा नहीं एडवांस स्टार्टर सिग्नल, सॉरी एडवांस स्टार्टर सिग्नल इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा गया है IS 456/2000, जो कि हम RCC में जनरली पढ़ते हैं और बिल्डिंग मटेरियल में इसका क्वेश्चन पुटअप हुआ है कि स्लम को बताना है हमको इसका, कि पेमेंट के लिए कितना स्लंप रहता है अनरीइंफोर्स फुटिंग के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं पेमेंट के, पेमेंट्स के लिए हम जनरली जो लेते हैं वो लेते हैं हम 50 स्लंप मैक्सिमम। अच्छा, अनरीइंफोर्स फुटिंग के लिए हम कितना लेंगे वो 75 mm लेंगे। रीइंफोर्स फाउंडेशन के लिए कितना लेंगे हम 100 mm लेंगे। कॉलम्स के लिए 125 mm लेंगे। तो इसमें ये वाला आंसर मैच कर रहा है, ये वाला हम यहाँ पर इसका आंसर ये कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। विच टर्म इज अप्रोप्रिएट फॉर द ब्रांच ऑफ फिजिकल जियोग्राफी विच डील्स विद द ओरिजिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ सरफेस, इसमें कहा गया है कि फिजिकल जियोग्राफी के साथ में ओरिजिन, जो कि अर्थ सरफेस पर पानी का डिस्ट्रीब्यूशन ओरिजिन में हम किसके बारे में डिस्कस करते हैं, तो वो ब्रांच है हाइड्रोलॉजी में ही हम इसके बारे में, वाटर के बारे में डिस्कस करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन से, उसके ओरिजिन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक हाइड्रोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोलॉजी। आगे बात करते हैं, इन विच टाइप ऑफ फाउंडेशन द लेंथ इज कंसीडरेबली ग्रेटर देन इट्स विड्थ, तो देखिए जिसकी विड्थ कम रहे और लेंथ ज्यादा रहे, जहां अवेलेबल ब्रेथ हमें फाउंडेशन के लिए कम लेंथ ज्यादा रहे, हम वहां प्रोवाइड करेंगे स्ट्रिप फाउंडेशन। अच्छा, राफ्ट फाउंडेशन, राफ्ट फाउंडेशन इज आल्सो नोन एज मैट फाउंडेशन,
मतलब मैक फाउंडेशन के भी नाम से राफ फाउंडेशन को जाना जाता है। पायल फाउंडेशन हम ज्यादा वहां प्रेफर करते हैं जहां आपकी ब्लैक कॉटन सॉइल हो, हाई जिसमें कि हाई स्वेलिंग और हाई श्रिंकेज प्रॉपर्टी रहती है। जनरली हम ब्रिजेस में पायल फाउंडेशन का ही इस्तेमाल करते हैं। फुटिंग हम जनरली अपने घरों में यूज कर लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेप फाउंडेशन। आगे बात करते हैं, इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ द फोर्सेस ऑन ईदर साइड ऑफ द लोडेड बीम। लोडेड बीम के एक तरफ मूवमेंट का एल्जेब्रिक सम क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है बेंडिंग मूवमेंट। बेंडिंग मूवमेंट की ही ये डेफिनेशन है कि बेंडिंग मूवमेंट इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ द फोर्सेस ऑन ईदर साइड लेफ्ट और राइट, ठीक है, दोनों में से एक साइड। इसमें पूछा है अज्यूम एल इज द लोड इन न्यूटन, ए इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, देन स्ट्रेस। तो स्ट्रेस आपको पता है कि फोर्स अपॉन एरिया या लोड अपॉन एरिया, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये लोड पर अपॉन एरिया, तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया। आगे बढ़ते हैं, ए 8 mm थिक कॉपर शीट इज कट विद ए 9 cm डायमीटर राउंड पंच। राउंड एक आपके पास 8 mm कॉपर सीट है, आपने उसमें से 9 cm डायर का एक राउंड पंच एग्जर्ट किया। जब एग्जर्ट किया तो आपने फोर्स लगाया होगा कुछ ना कुछ निकालने के लिए उसको, तो कितने का फोर्स लगाया, ए फोर्स ऑफ 16 kN, 16 kN के फोर्स से आपने पंच एग्जर्ट किया। फाइंड द शियर स्ट्रेस इन दिस सीट, अब आपको सीट में शियर स्ट्रेस की वैल्यू बतानी है, शियर स्ट्रेस कितनी आएगी। तो देखेंगे यहाँ पर शियर स्ट्रेस हमको पता है कोई भी स्ट्रेस वो फोर्स अपॉन एरिया रहता है, तो फोर्स कितने का है 16 kN। अच्छा एरिया, एरिया हमने जो राउंड पंच निकाला है उसकी सर्कमफेरेंस कितनी होगी, पाई डी। डी क्या है आपका 9 cm, तो ये 90 mm हो जाएगा पाई डी। अब ये तो केवल सर्कमफेरेंस हुई, अब एरिया बनाने के लिए हम उसको थिकनेस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 7.08 MPa। आगे बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू द सॉइल मैकेनिक्स विच टाइप ऑफ सॉइल इज नॉट फुली कंसोलिडेटेड अंडर द एग्जिस्टिंग ओवरडन प्रेशर। फुली कंसोलिडेटेड नहीं रहती, अगर उस पर ओवरडन प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा है तब भी, तो वो कौन सी सॉइल रहेगी, अंडर कंसोलिडेटेड सॉइल हम उसको कहेंगे। आगे बात करते हैं, इज द नॉर्मल स्ट्रेस व्हेन इट एक्ट्स इनटू द एरिया। नॉर्मल स्ट्रेस आपकी कोई भी है अगर वो एरिया पर एक्ट कर रही है, जैसे कि बीम ही ले लो, बीम पर अगर लोड लगा रहे हो आप, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, आप परपेंडिकुलर लोड अप्लाई कर रहे हो, तो जो बीम को जो लोड कंप्रेस करवाएगा तो हम उसको कहेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस, आंसर इसका हो जाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेस। आगे बात करें, अकॉर्डिंग टू दी assumptions ऑफ टर्जागी वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन थ्योरी। टर्जागी की जो सॉइल मैकेनिक्स में वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन थ्योरी पढ़ते हैं हम, which of the following statements is are correct, तो